नमाज के बाद कानपुर में पत्थरबाजी इतनी महंगी पड़ेगी किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा। आधी रात योगी ने दंगाइयों का पत्थरबाजों का अचूक इलाज कर दिया कि इसके बाद अब शायद ही यूपी में कोई इस तरह की घटना हो पाए। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। जब देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल जैसी तमाम बड़ी शख्सियतें उसी हिंसा वाली जगह से कुछ दूरी पर, कुछ किलोमीटर पर मौजूद हो, तब कानपुर में साजिश रची जा रही थी। दंगे की साजिश, पत्थरबाजी की साजिश और हिंसा की साजिश, और पूरी तैयारी के साथ नमाज पढ़ने के बाद आखिरकार किस तरीके से पत्थरबाजी शुरू हो गई, हिंसा शुरू हो गई। और आपको बता दें कि तैयारी तो उस बाजार को बंद कराकर ये थी कि बड़ी शांति से सब कुछ होगा, यानी पुलिस को पहले से समझा दिया गया था, लेकिन पुलिस को शायद पता ही नहीं चला किस तरीके से झूठ बोला जा रहा है, उनका बेवकूफ बनाया जा रहा है और ऐसी घटना को अंजाम देने की ये साजिश हो रही है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि आखिरकार किस तरीके से नमाज पढ़ने के बाद एकाएक भारी भीड़ नजर आती है, उस पूरे मार्केट को कैसे पत्थरबाजी का अड्डा बना दिया जाता है। ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर पहले से किस कदर तैयारी रही होगी। इस तस्वीर को आप देखिए, जिस ठेले में फल बिकते होंगे आज फल की जगह वहां पर पत्थर परोसे गए थे, आज उस ठेले में पत्थर लाए गए थे भरकर, और किस तरीके से एक एक दंगाई पत्थर उठा रहा है और फिर कैसे पत्थरबाजी हो रही है ये आपके सामने है। आज जब नमाज पढ़ने वहां गए तो ऐसा कभी सोचा है या देखा है कि जेब में बोतल लेकर जाएं, पत्थर लेकर जाएं, लेकिन वहां पर पत्थर और बोतल लेकर जाए गए। यानी तैयारी ये दिखाने की थी जब देश के प्रधानमंत्री और सब बड़ी शख्सियतें कानपुर के उस दंगाई क्षेत्र से कुछ दूरी पर हों, तब ये दिखाने की कोशिश थी। यानी ये साजिश ये दिन बहुत सोच समझ कर रचा गया था। अब हो तो गया, लेकिन उसके बाद कैसे बिलबिला रहे हैं उन पत्थरबाजों की, कैसे हवा निकली हुई है, जरा इन तस्वीरों के जरिए देखिए क्या बोल रहे हैं, जरा सुन भी लीजिए, देखिए और शेयर जरूर कीजिए, फिर आगे की कहानी आपको बताते हैं। अरे सर, मैं हमसे कोई बात तो नहीं, काम कर रहा था, लेबरी कर रहा था सर, लेबरी करता हूँ। देखा, हम तो थे ही नहीं, हमें तो गलत पकड़ लिया गया, हमसे तो गलती हो गई। अब कुछ ऐसे ही शब्द आप सभी को सुनाई दे रहे हैं, लेकिन आधी रात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक्शन लिया है उसे सुनकर दंगाई बहुत बुरी तरीके से बिलबिला रहे हैं, कंपकंपी छुटी है, सिरहन पूरे शरीर में नजर आ रही है कि आखिरकार कैसे बचा जाए। 1000 अज्ञात पर तो मुकदमा दर्ज हो गया है, वहीं लगभग 50 लोगों को हिरासत में ले लिया है और सीसीटीवी फुटेज से एक एक की पहचान की जा रही है। यानी अब कुर्की भी होगी, बुलडोजर भी बहुत जबरदस्त तेजी से चलेगा और जो कार्रवाई इस बार होगी उसके बाद यूपी में पत्थर मुश्किल चल पाएगा, कोई पत्थर उठाने से भी डरेगा, पत्थर सड़क में दिख जाए तो अपना रास्ता बदल लेगा, क्योंकि योगी ने जो आधी रात प्लान किया है वो जरा देख लीजिए, जो कहा है वो जरा देख लीजिए। आधी रात मीटिंग चलती रही कानपुर की उस घटना में, जैसे ही प्रधानमंत्री को विदा किया, जैसे ही उसके बाद सीधा मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को कहा कि पूरे मामले की जानकारी लीजिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात की कि पल पल की जानकारी रखिए, और फिर आधी रात मीटिंग के बाद यह आदेश दे दिए हैं कि अब किस तरीके से इनका इलाज होगा। मैं दिखाता हूं मुख्यमंत्री ने क्या कहा। सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है, कहा कि शांति व्यवस्था खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। खबरों के मुताबिक सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रातों रात अधिकारियों के साथ मीटिंग की और कानपुर हिंसा पर जानकारी दी। योगी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर बिना किसी रियायत के कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में छोटी से छोटी घटना को गंभीरता से लें और माहौल खराब ना होने दें। साथ ही उन्होंने जो कहा वो सुन लीजिए।
आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट, उनकी संपत्ति जब्त और उसे ध्वस्त करने की तैयारी में लग जाएं। साथ ही योगी ने कह दिया कि अब कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो देखा आपने, गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज, उसके बाद जो संपत्ति है, जो टोटल संपत्ति है दंगाइयों की, जो ऐसे सीसीटीवी पे पत्थर मार रहे थे उनके फोटो बहुत बहुत क्लियर हैं, उनके घरों पर भी बुलडोजर चलेगा, पूरी संपत्ति जब्त हो जाएगी, यानी अब कोई बचा नहीं सकता। आप ये तस्वीर देखिए कि कैसे सीसीटीवी को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए आप कैसे एक निशाना चूक गया, दूसरा निशाना चूक गया, लेकिन एक पत्थरबाज ने बहुत गंभीरता से कभी कंचे खेले होंगे और कैसे सीसीटीवी को तोड़ दिया। जरा देखिए तस्वीर आप और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से वहां पर सबूत मिटाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन फोटो बहुत अच्छे से खींचा है। लिहाजा योगी ने जब आधी रात लगभग 1.5 घंटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़े अधिकारियों से मीटिंग की और बहुत गुस्से में कह दिया, कतई ना बख्शा जाए वरना आप सोच लीजिएगा। यानी इस बार योगी कतई बख्शने के मूड में नहीं है। और उस मीटिंग के बाद कैसे पुलिस गंभीर है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो कुछ कह रहे हैं आप सुन लीजिए। जिस भी व्यक्तियों ने वहां उपद्रव किया है उसकी पहचान की जा रही है। अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा हमें पर्याप्त मात्रा में वीडियो फुटेजेस मिल गए हैं, जिसके आधार पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। पत्रियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ति को भी जब्त या ध्वस्त कराया जाएगा। तो देखा आपने, मुस्लिम पक्ष ने आज बंद बुलाया था, उन्होंने सभी मार्केट से आह्वान किया था वो कि इस मार्केट को बंद कर दे, इसी पर उनकी झड़प हो गई। पूरी तैयारी उनकी थी, यानी पहले से ये सोचा हुआ था कि अगर कोई भी कुछ कहे तो उसके बाद हमला शुरू कर दिया जाए और वहां पर इसी को मुद्दा बनाकर लोगों को घेर लिया जाए और इस तरीके से पत्थरबाजी की जाए। लेकिन अब इलाज शुरू हो गया है और बिलबिलाने की जो तस्वीरें हैं वो भी आनी शुरू हो चुकी हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे अब बिलबिला रहे हैं लोग। अरे सर, मैं हमसे कोई बात नहीं, काम कर रहा था, लेबरी कर रहा था सर, लेबरी करता हूँ। तो समझे जा सकता है, यानी कानपुर में और भी और बड़ा कुछ होगा, यानी पुलिस अब सोच छोड़ने और बख्शने के मूड में कतई नहीं है। योगी बेहद गुस्से में है और अब इलाज बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। आप अपनी राय रखिए, आपको क्या लगता है, क्या सोची समझी साजिश के तहत ये हुआ, क्या मौलानाओं के भड़काने से ये सब कुछ हुआ? आप अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एडवाइंस इंडिया पर जुड़े रहिए, क्योंकि मुद्दे की बात मुद्दे के साथ इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।